हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस मैं गिराज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ एनी लाइट सोर्स। किसी प्रकाश स्रोत की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता क्या होती है? तो विभेदन सीमा क्या होती है कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती वस्तुओं को अलग अलग दिखाई देना, ये विभेदन सीमा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, दो निकटवर्ती वस्तुओं को अलग अलग दिखाई देना प्रकाश स्रोत की विभेदन सीमा कहलाती है। और विभेदन क्षमता क्या होती है? दो निकटवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग दिखाई देने की घटना को प्रकाश स्रोत की विभेदन क्षमता कहते हैं। ओके, तो वस्तुओं को अलग अलग दिखाई देना यानी दो निकटवर्ती वस्तुओं को अलग अलग दिखाई देना विभेदन सीमा होगी, और दो निकटवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग दिखाई देना विभेदन क्षमता होगी। और विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, ठीक है ना। तो ये विभेदन सीमा हो जाएगी या विभेदन क्षमता लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विभेदन सीमा। इसको हम रिजॉल्विंग पावर लिखते हैं और इसको हम रिजॉल्विंग लिमिट लिखते हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, यानी विभेदन सीमा जितनी कम होगी विभेदन क्षमता का मान उतना ही अधिक होगा। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। ये क्या होती है? तो दूरदर्शी में जो प्रयुक्त लेंस होता है उसका ये द्वारक होगा या व्यास कह सकते हैं। ये मान लेते हैं कि S1 और S2 इनके बीच में कोई जो कोण है डी थीटा, और यही विभेदन सीमा होगी डी थीटा। तो ये जो इस पर तरंग दैर्ध्य आपतित हो रहा है वो, तो ध्यान रखिएगा दूरदर्शी की विभेदन सीमा यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ऐसे लिखते हैं TR, ठीक है ना। इसको इससे नोट किया गया है। और विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा को रिजॉल्विंग लिमिट, अगर हम विभेदन सीमा लिखेंगे इसकी दूरदर्शी की तो TR रिजॉल्विंग लिमिट RL। तो ध्यान रखिएगा दूरदर्शी की विभेदन सीमा प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के समानुपाती और अभिदृश्यक लेंस के द्वारक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर, ध्यान रखना दूरदर्शी की विभेदन सीमा पहले हम निकालेंगे फिर उसका रिवर्स करेंगे तो विभेदन क्षमता आएगी। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा TRL रिजॉल्विंग लिमिट, इसमें प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लैम्डा के समानुपाती तथा अभिदृश्यक लेंस के द्वारक डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण एक व दो से टी आर एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा अपॉन डी, तो टी आर एल इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन डी, के का जो मान होता है नियतांक का 1.22, तो टी आर एल 1.22 लैम्डा अपॉन डी, और यही डी थीटा के इक्वल भी है इसके चित्र के अनुसार। तो अब इसकी विभेदन क्षमता क्या होगी? तो टी आर पी जो होगी 1/d थीटा होता है, यानी 1/ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टी आर एल, ये भी लिख सकते हैं 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ये ऊपर आ जाएगा। तो टी आर पी जो होगा ये डी अपॉन 1.22 लैम्डा आ जाएगा। तो ये होगी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता MRP। और विभेदन सीमा जब निकालेंगे तो ये होगा रिजॉल्विंग लिमिट MRL, ठीक है ना, इससे डिनोट करेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी में जो शंकु कोण बनता है
कोण एंगल ये ये तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा एम आर एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा एंड एम आर एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम कोण 2 थीटा, यानी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा इसमें प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लैम्डा के समानुपाती होती है तथा शंकु कोण, इसको क्या बोलते हैं, शंकु कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोनों को एक साथ लिख दें समीकरण 1 व 2 से, तो एम आर एल इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल लैम्डा अपॉन 2 थीटा, तो एम आर एल हो जाएगा k lambda upon 2 theta, k का मान वही 1.22, तो mRL equals to 1.22 lambda upon 2 sin theta, अगर ये theta बहुत सूक्ष्म कोण है तो theta को हम sin theta के equal भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो होगी विभेदन क्षमता MRP जो होगी रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होगी, आपको पता है, तो 1/1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, तो ये MRP आ जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। और अगर अपवर्तनांक n हो, यदि अपवर्तनांक n है या म्यू है, तो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी सूक्ष्मदर्शी की 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता जो होती है सूक्ष्मदर्शी की अपवर्तनांक के समानुपाती होती है। तो ये सूत्र आ जाएगा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए। ओके।